हमें यहाँ पे ए बी सी डी एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे चार सर्कल्स कुछ ऐसे गिवन है मुझे एरिया ऑफ स्टेटिड रीजन बताना है यानी ये ब्लू वाला एरिया बताना है ये ब्लू वाला एरिया होगा एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस ये सर्कल का एरिया ये वाले सर्कल्स का जो इतना पोर्शन है अब ये कितना पोर्शन है सर्कल का हम ये देखते हैं स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 होते हैं तो मेरे यहाँ पे ये सारे एंगल 90 होंगे अब अगर ये वाले पोर्शन की बात करूँ सिर्फ इस पोर्शन की तो यहाँ पे एंगल 90 है जब भी एंगल 90 होता है तो वह मेरा क्वाड्रेंट होगा तो ये मेरा एक क्वाड्रेंट है ऐसे ही ये एक क्वाड्रेंट है ये और ये तो मेरा एरिया ऑफ स्टडीड रीजन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया मैं सप्रैक कर दूंगा हम ये दोनों अलग अलग निकालते हैं अब एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी निकालते हैं पहले साइड है हमारी 14 सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर अब यहाँ पे हम इन फोर क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालते हैं एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट के लिए मैं नोटिस करूं यहाँ पे सिमेट्री है यानी ये चारों सर्कल्स जो हैं वो मुझे सेम लग रहे हैं क्योंकि सिमेट्री है यहां पे तो मेरा रेडियस ऑफ इन चारों सर्कल इक्वल होगा यानी चारों सर्कल का रेडियस इक्वल है अब यहाँ पे मेरा ये वाला पोर्शन भी रेडियस है ये वाली साइड और ये साइड भी रेडियस है यानी रेडियस प्लस रेडियस होगा साइड के बराबर यानी रेडियस होगा साइड डिवाइडेड बाय टू अब साइड है हमारी फोर्टीन तो ये होगा फोर्टीन बाय टू सेवन सेंटीमीटर तो यहाँ पे मेरा रेडियस आ गया पहले मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालता हूँ एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट होगा वन बाय फोर इंटू एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेर आर की वैल्यू पुट करता हूँ पाई की ट्वेंटी टू बाई सेवन ये मेरा आ जाएगा वन फिफ्टी फोर बाय फोर सेंटीमीटर स्क्वायर अब एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट हो गए इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया होगा फोर इंटू एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट तो यहां पे एरिया आएगा मेरा फोर इंटू दिस वन फिफ्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वेयर तो मेरा एरिया ऑफ स्टेडेड रीजन आ गया 196 नाइनटी सिक्स माइनस वन यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर